गदर 2 के बाद सनी देओल और आमिर खान एक साथ मिलकर धमाका करने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि राजकुमार संतोषी इन दोनों की इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी होने वाली है ये बड़ी फिल्म। दोस्तों, सनी देओल के फैंस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी गुड न्यूज इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। इस बारे में पहले भी ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि एक तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। गदर 2 में तारा सिंह का किरदार निभाने वाले सनी देओल ने काफी ज्यादा तहलका मचाया था और अब वो एक ब्लॉकबस्टर देने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी जानकारी खुद आमिर खान और सनी देओल ने मिलकर कर दी है। खबरें हैं कि अगली फिल्म का नाम लाहौर 1947 होने वाला है। जी हाँ, घायल, घातक, दामिनी और जबरदस्त फिल्में बना चुकी है। राजकुमार संतोषी एक बार फिर से सनी देओल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शन और सनी देओल ने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करके ये जानकारी दी है कि अगले प्रोजेक्ट का टाइटल लाहौर 1947 है। आमिर खान और सनी देओल की तरफ से जारी किए गए इस नोट में लिखा गया है कि मैं और आमिर खान प्रोडक्शन की पूरी टीम इस बात का ऐलान करने के लिए बेहद एक्साइटेड और खुश है कि हमारी अगली फिल्म राजकुमार संतोषी जी के डायरेक्शन में बनने जा रही है, जो कि सनी देओल स्टारर लाहौर 1947 है। हम इतने काबिल और शानदार एक्टर सनी देओल और मेरे पसंदीदा डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ काम करने जा रहे हैं, इसलिए इस सफर के लिए हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि आमिर खान और सनी देओल एक साथ फिल्म कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इनकी एक फिल्म के राइट्स OTT प्लेटफॉर्म ने खरीद लिए है। फिलहाल अभी इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि लाहौर 1947 में और क्या कुछ नया और क्या खास होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी एक साथ सनी देओल को देखना पसंद करते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।